हेलो चिल्ड्रन, वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू लेसन सॉल्यूशन। तो सबसे पहले सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। याद रखिएगा, टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। और अगर हम कहते हैं होमोजेनियस, तो उसमें यानी कि कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज हर तरफ से सेम होती है, इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। अब सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं हमेशा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। याद रखना बच्चों कि सॉल्यूट हमेशा वो होता है जिसको हम लेस क्वांटिटी में लेते हैं, और सॉल्वेंट वो होता है जिसको हम मोर क्वांटिटी में लेते हैं। मगर ये बात बदल जाती है अगर मैं लिखती हूँ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। सो इफ इन द न्यूमेरिकल आई एम यूजिंग द टर्म कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो वहां पे क्या फर्क हो जाएगा? सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, तभी तो चीज कॉन्सेंट्रेटेड या गाढ़ी हुई है। तो सॉल्यूशन में जनरली सॉल्यूट इज लेस व्हाइल सॉल्वेंट इज मोर इन अमाउंट। मगर अगर हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखा है तो सॉल्यूट ज्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कई तरह के होते हैं डिपेंडिंग हमने सॉल्वेंट कौन लिया है, ठीक है। तो अगर जैसे हम सॉल्यूशन बनाते हुए दो नाम यूज कर रहे हैं, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन, तो पहली कैटेगरी आती है गैसीय सॉल्यूशन की। गैसीय सॉल्यूशन वो है जहां पे सॉल्वेंट हमेशा गैस होगा, मगर सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड कोई भी हो सकता है। तो जैसे अगर मैंने गैस को गैस में मिलाया, बहुत सिंपल एग्जांपल ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, लिक्विड को गैस में मिलाया क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस, सॉलिड को गैस में मिलाया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, जब हम कैम्फर को बर्न करते हैं। अब आते हैं लिक्विड सॉल्यूशन, जहां पे मेरा जो सॉल्वेंट है दैट इज लिक्विड इन नेचर, मगर सॉल्यूट कोई भी हो सकता है, गैस, लिक्विड और सॉलिड। तो अगर गैस को मैंने लिक्विड में मिलाया ऑक्सीजन गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, लिक्विड को लिक्विड में मिलाया इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉलिड को लिक्विड में मिलाया ग्लूकोज या शुगर डिसॉल्व्ड इन वाटर, सो दे आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। अब आते हैं सॉलिड सॉल्यूशन पे। सॉलिड सॉल्यूशन वो है जहां पे मेरा जो मोर क्वांटिटी सॉल्वेंट है वो हमेशा कौन है? सॉलिड इन नेचर। तो अब इसमें आपके पहला आया गैस एंड सॉलिड, गैस एंड सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, पैलेडियम मेटल पे हाइड्रोजन गैस का यूज होना, ठीक है। अब सेकेंड है लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड अमलगम, अमलगम हमारे वो अलॉय होते हैं जिनमें हम मरकरी को मिलाते हैं किसी भी सॉलिड में, सोडियम अमलगम या जिंक अमलगम जो हम ऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं। सॉलिड एंड सॉलिड कॉपर डिजोल्ड इन गोल्ड, तो जब सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो ये कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये वाला टॉपिक ऐसा नहीं है कि ये टेबल है, ये नहीं आएगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का, बच्चों हमारे बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर वन, ठीक है, ये इसी पे बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर वन हमारा बैक एक्सरसाइज का इसी क्वेश्चन पे बेस्ड है कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को कैटेगराइज करने के लिए। नाउ कमिंग टू द अदर पार्ट, इसका ये जो इंपॉर्टेंट है, ये बहुत प्यारा पार्ट है, एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन को बताने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो सबसे पहला तरीका होता है मास परसेंटेज, जहां पे हमारे सब चीजें ग्राम्स में दी गई होती है, ठीक है। अब जैसे हमने क्या लिया, मान लो हमारे पास ए और बी दो चीजें हैं जिनसे हम मिला के बना रहे हैं सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ ए गिवन है, वेट होता है जो हमारी मर्जी से बदल सकता है, मगर मोलर मास रिमेन्स स्टैंडर्ड ऑल द टाइम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वेट ऑफ ए एंड वेट ऑफ बी, मान लीजिए मैं आपसे कहती हूँ मास परसेंटेज ऑफ ए निकालो, ठीक है, मास परसेंटेज ऑफ बी निकालो। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मास परसेंटेज ऑफ बी, तो मैं मास ऑफ बी को ऊपर रखूंगी, टोटल मास को नीचे, और किससे मल्टीप्लाई करा दिया जाएगा? 100 से। बहुत सिंपल मास परसेंटेज। जब बच्चों हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे तो सेम यही बात होगी, वॉल्यूम ऑफ दैट कॉम्पोनेंट ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं, वहां टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, यहाँ पे जरूरी टर्म है कि हम ट्रेस क्वांटिटी में कंसिडर करते हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज। जब बहुत माइन्यूट क्वांटिटीज होती है तो पार्ट्स पर मिलियन में ही से एक्सप्रेस करा जाता है। इसको हम पीपीएम के नाम से रिप्रेजेंट कराते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कॉम्पोनेंट, कितना कम अमाउंट में कंपोनेंट जिसके बारे में हम बात करें वो प्रेजेंट है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट इनटू 10^6। मिलियन में लिया जाता है, 10^6 में हम इसे कंसिडर करेंगे।
तो ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज में हम हमेशा ऊपर 100 लेते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट्स पर मिलियन तो हम इनटू 10 की पावर 6 करते हैं. नाउ कम टू द टर्म मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन नाम ही बता रहा है, मोल्स का फ्रैक्शन. तो उस चीज के मोल्स ऊपर, टोटल के मोल्स नीचे, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करा जाता क्योंकि हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं. When we are talking about percentage multiplied by 100, when we are talking about parts per million multiplied by 10 की पावर 6, मगर जब मोल फ्रैक्शन करते हैं तो ये फ्रैक्शन है, ये एक नंबर है, एंड वी नीड नॉट टू मल्टीप्लाई विद 100 और 10 की पावर 6. जब बच्चों मोल फ्रैक्शन की बात होगी तो यहाँ पे एक चीज का खास ध्यान रखना कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कराएंगे. तो यहाँ पे आप हमारे थोड़े थोड़े से नए टर्म्स भी साथ में जुड़ेंगे. जैसे अब हम लेते हैं, मान लो ए और बी फिर से हमारे वही दो कॉम्पोनेंट है, ठीक है. ए प्लस बी हमने लिए थे, वेट ऑफ ए हो गया डब्ल्यू ए, वेट ऑफ बी हो गया डब्ल्यू बी. मोलर मास ऑफ ए ले लिया MMA, मोलर मास ऑफ बी भी हमने ले लिया. मोलर मास फिक्स होता है, मगर व्हाट अबाउट नंबर ऑफ मोल्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ ए. और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास ऑफ बी. हमने यहाँ पे क्या पूछा है, मोल फ्रैक्शन. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और बी, इसको रिप्रेजेंट कराते हैं एक्स जैसा हम टर्म लिखते हैं. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स. याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पे मास फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, इनमें बहुत डिफरेंस होता है. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मास परसेंटेज तो मासेज रखे जाते हैं, मगर जब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की तो मोल्स को रखा जाता है, मोल्स का फ्रैक्शन लिया जाता है. ऐसे ही हम किसको निकाल सकते हैं, मान लीजिए बी के लिए निकालना होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या हम लिखते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी. मगर अगर ये होता बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी मतलब दो चीजों से मिला के बना हुआ सॉल्यूशन, तो हम ये भी कर सकते थे कि हम एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते और दूसरे का मोल फ्रैक्शन वन में से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते. मगर इसके लिए ये जरूरी है कि हमने जो अगला मोल फ्रैक्शन निकाला वो बिल्कुल एक्यूरेटली या ध्यान से निकाला हो. सो मोल फ्रैक्शन इज अ वेरी सिंपल टर्म. मोल का फ्रैक्शन निकालने का तरीका मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स को लिया जाता है. अब अगला जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन निकालने का बहुत सिंपल मेथड है वो होता है मोलैरिटी. मगर मोलैरिटी हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में निकाली जाती है, यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इन लीटर या सेंटीमीटर क्यूब या ml में आपको पता होना चाहिए. तो मोलैरिटी का फॉर्मूला या सिंबल हम यूज करने वाले हैं कैपिटल M. कैपिटल M को कैसे लिखा जाता है, अब इसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट हम अधिकतर लेते हैं B को, वी रिप्रेजेंट B यूजिंग द सॉल्यूट, A यूजिंग द सॉल्वेंट. तो अब मैंने आपसे कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सिंबल क्या आ गया ऊपर, एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वी कैन ऑल्सो एक्सपेंड इट लाइक दिस, डब्ल्यू बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. अगर बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर के बजाय ml या सेंटीमीटर क्यूब में दे दें तो याद रखिएगा वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000, ठीक है. अगर ml या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो मल्टीप्लाई इट बाय 1000. मोलैरिटी का यूनिट क्या होता है, कैपिटल M या मोल पर लीटर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मोलैरिटी. मोलैरिटी भी सिंपल है, इसी तरह से याद रखी जाती है. मोलैरिटी स्मॉल m होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और साथ में हम लेते हैं नीचे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, जैसे वेट का सिंबल हमने w लिया था और सॉल्वेंट को हमने a लिया था, तो फॉर्मूला क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट nb, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज wa, और किसमें ले लिया हमने इसे kg, नंबर ऑफ मोल्स wb अपॉन मोलर मास ऑफ b इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg. सॉल्वेंट कौन है जिसे हमने ज्यादा क्वांटिटी में लिया हुआ है. अब मान लो आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो kg के बजाय ग्राम में लेते हैं, तो क्या करोगे, wb अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, अगर ग्राम में दे दें
ग्राम में दे दें बच्चों, तो आप इसे ऊपर किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 1000 से। फॉर्मूलों में ही सारे चैप्टर ध्यान से करा जाता है। मोलैलिटी का यूनिट या तो आप स्मॉल एम लिख दीजिए या मोल पर केजी भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमारे वन मार्कर क्वेश्चन में बनती है, मास परसेंटेज, पीपीएम, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, इन सब में बच्चों टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जबकि मोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलैरिटी इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि मोलैरिटी के फॉर्मूले में आपने पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों वॉल्यूम तो टेम्परेचर के संग चेंज होता है, तो अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा टेम्परेचर के संग तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। सो मोलैरिटी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर क्योंकि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। जबकि मोलैलिटी में क्या था, मोलैलिटी में तो नीचे वेट आता था, ठीक है, तो वॉल्यूम चेंजेस विद टेम्परेचर, दैट इज व्हाई द मोलैरिटी इज कंसिडर्ड टू बी टेम्परेचर डिपेंडेंट इन नेचर। चलिए अब इन्हीं फॉर्मूलों पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, एनसीईआरटी इंटेक्स्ट। ये हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा पहला इंटेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड If 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, तो एक एक करके मास परसेंटेज निकाल लेते हैं, दोनों के लिए मास परसेंटेज निकालनी है हमने। तो मास परसेंटेज पहले निकाल लेते हैं, मान लीजिए बेंजीन के लिए, तो क्या रखेंगे, मास ऑफ बेंजीन ऊपर, मास ऑफ बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। बच्चों मास ऑफ बेंजीन कितना दिया गया है, मास ऑफ बेंजीन इज गिवन टू बी एस 22 ग्राम, इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो मास ऑफ बेंजीन ऊपर 22 रखा। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 22 ग्राम प्लस 122 ग्राम, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 100 तो है ही है, इज इक्वल टू क्या बन गया, 22 अपॉन 144 इंटू 100। करेंगे इसे सॉल्व तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया 15.28%। अब मैंने अगर आपसे मास ऑफ CCl4 भी पूछा है, तो बच्चों अगर दो चीजों का सॉल्यूशन होता है देन द टोटल परसेंटेज इज इक्वल टू 100, तो मास परसेंटेज ऑफ CCl4 क्या आ जाएगी, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ C6H6, यानी कि 100 माइनस 15.28, जिसकी वैल्यू आपको अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगी 84.72%। तो अगर आपने एक की परसेंटेज ठीक से निकाली है तो दूसरे की परसेंटेज 100 में से सब्ट्रैक्ट करके मगर एक्यूरेटली निकालिएगा। जरूरी बात है कि मास परसेंटेज आप ध्यान से निकालें अगर आप एक से ही दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। नाउ द सेकेंड इंटेक्स क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4, 30% by mass in CCl4, इसका मतलब जब हम मास में कह रहे हैं तो वेट ऑफ बेंजीन क्या आ गया बच्चों, वेट ऑफ बेंजीन इज 30% by mass, यानी कि 30 ग्राम, अगर हम टोटल को ग्राम में ले लेते हैं तो वेट ऑफ CCl4 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 30 यानी कि 70 ग्राम। हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो हमारा पहला काम हुआ इन दोनों के अलग अलग मोल्स निकालना। तो पहले मोलर मास ऑफ बेंजीन भी निकाल लेते हैं, मोलर मास ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6, अगर हम मोलर मास ऑफ बेंजीन निकालें इट कम्स आउट टू बी 78 ग्राम पर मोल। इसी तरह से मोलर मास ऑफ CCl4 कैसे निकालते हैं, मोलर मास कार्बन प्लस 4 इंटू Cl का मास लेते हैं, तो मोलर मास ऑफ CCl4 कम्स आउट टू बी 154 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हम खाली हमारे को वेट और मोलर मास नहीं निकालना, हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास 30 अपॉन 78, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आगे 0.385। और इसी तरह से हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ CCl4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 जिसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वेट ऑफ CCl4 अपॉन मोलर मास ऑफ CCl4, विच कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली टू बी 0.455।
0.455। अब हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स मिल चुके हैं, तो अब चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं बेंजीन का। मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने थे, 0.385। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन 0.385, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 0.455। जिसको हम अगर पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 0.485। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन तो हमारा आ गया 0.485। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4 पूछा आ जाता तो हम क्या करते, हम 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन कर देते, क्योंकि फ्रैक्शन का टोटल हमेशा 1 होता है और परसेंटेज का टोटल हमेशा 100 होता है। मगर इस क्वेश्चन में तो हमसे सिर्फ मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन पूछे गए हैं, तो वी विल कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन डिवाइडेड बाय बेंजीन के मोल्स प्लस CCl4 के मोल्स। अब थर्ड क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, जिनमें पहला है 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट विद 6 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइन है 6 वाटर मॉलिक्यूल्स इन 4.3 लीटर, यहाँ पे 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन भी प्रेजेंट है। और सेकंड पार्ट में बच्चों 30 ml ऑफ 0.5 मोलैरिटी H2SO4 को डाइल्यूट करा गया है 500 ml के लिए, 500 ml। नाउ कमिंग टू द फर्स्ट पार्ट, पहले इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें मोलैरिटी निकालनी है, गिवन मास है हमारे पास, गिवन मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट इज 30 ग्राम। लेट अस कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट आल्सो। मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, कोबाल्ट नाइट्रेट इज द सॉल्यूट हियर, कैन बी कैलकुलेट द मोलर मास, इट कम्स आउट टू बी 291 ग्राम पर मोल, ठीक है। और वॉल्यूम हमारे को बच्चों गिवन है 4.3 लीटर, और निकालना क्या है हमने, मोलैरिटी। सो व्हाट अबाउट मोलैरिटी, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किसके वॉल्यूम की बात हो रही है, सॉल्यूशन की। गिवन मास इज 30, मोलर मास इज 291, द वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 4.3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे लीटर में, तो 1000 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, वी विल कैलकुलेट इट, इट कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.023 मोल पर लीटर, या हम कैपिटल एम भी लिख सकते हैं क्योंकि मोलैरिटी का यूनिट कैपिटल एम भी लिया जाता है। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में पहली मोलैरिटी हमें गिवन है, पहली मोलैरिटी हमें गिवन है 0.5, पहला वॉल्यूम भी हमें गिवन है V1, मोलैरिटी 0.05 मोलर, पहला वॉल्यूम हमें गिवन है 30 ml। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड, अगला वॉल्यूम हमें दे दिया है बच्चों 500 ml, और अगली मोलैरिटी हमें नहीं पता जो हमें कैलकुलेट करनी है। सो नाउ वी विल पुट द फॉर्मूला जो हमने क्लास 11th में भी पढ़ा था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। क्योंकि अगर एक नोन सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी वगैरह हमें पता है, हम उसमें वॉल्यूम का चेंज करते हैं तो मोलैरिटी भी उसी के अकॉर्डिंग साथ साथ चेंज होती है। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे M1V1 M2V2 की, 0.5 इंटू 30 इज इक्वल टू M2 इंटू 500। चेक करते हैं वैल्यूज को, इससे हमारे M2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M2 कम्स आउट टू बी 0.03 कैपिटल M। तो ये हमारे दोनों फॉर्मूले, पहला डायरेक्ट मोलैरिटी और सेकंड वाले में M1V1 इज इक्वल टू M2V2। नाउ कमिंग टू द अदर क्वेश्चन, दिस इज कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हमसे बहुत छोटी छोटी चीजें मिस आउट हो जाती हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था बेटा, मास ऑफ रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन, मास ऑफ रिक्वायर्ड एक्वस सॉल्यूशन हम लोगों को प्रोवाइडेड है 2.5 kg, ठीक है, जिस सॉल्यूशन की बात हो रही है उसके मास निकालना है उसमें यूरिया का, मगर मास ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज गिवन, दैट इज 2.5 kg, या हम कह सकते हैं 2500 ग्राम में भी। नाउ द अदर थिंग दे हैव गिवन इज 0.25 मोलल का सॉल्यूशन है, 0.25 मोलल सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, और
0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया का क्या मतलब हुआ कि इसमें 0.25 मोल यूरिया है जो कितने सॉल्यूशन में को बनाने के लिए कितने सॉल्वेंट में यूज हुई है, दैट इज द 1000 ग्राम ऑफ वाटर। क्योंकि जब बच्चों हम मोलल की बात करते हैं, मोलल तो हम बात करते हैं मोल इन सॉल्वेंट, तो 0.25 का मतलब क्या हुआ, 0.25 मोल यूरिया इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब मोलर मास ऑफ यूरिया क्या होता है, देखें मोलर मास ऑफ यूरिया दैट इज NH2CONH2, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 60 ग्राम पर मोल। अब अपनी चीजों को गिवन क्वांटिटीज को थोड़ा अरेंज करें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया कितने गिवन थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया गिवन थे 0.25, वेट ऑफ यूरिया x ले लिया, मोलर मास ऑफ यूरिया 60, तो x की वैल्यू अगर हम मल्टीप्लाई करते 0.25 into 60, it comes out to be 15 ग्राम। अब ये 15 ग्राम क्या है, यहाँ पे ये 15 ग्राम हमारा जो मास ऑफ यूरिया प्रेजेंट है ये किसके किसमें प्रेजेंट था, 1000 ग्राम ऑफ वॉटर में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन is equal to 1000 plus 15, यानी कि 1015 ग्राम आ गया। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन जिसमें हमारे कितने यूरिया प्रेजेंट है 15। अब बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड लगाएंगे, 1015 ग्राम सॉल्यूशन में है कितनी यूरिया प्रेजेंट है, 15 ग्राम। तो 2500 ग्राम सॉल्यूशन में हाउ मच यूरिया विल बी प्रेजेंट, सिंपली द यूनिटरी मेथड 15 अपॉन 1015 इनटू 2500, दिस वुड कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली टू बी 36.95 ग्राम। तो हमारे इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें वेट ऑफ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं थी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन, तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू कैलकुलेट द वेट ऑफ द सॉल्यूशन, तभी तो हम 2500 ग्राम सॉल्यूशन में यूरिया के अमाउंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को मोलैलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन तीनों निकालने हैं। परसेंटेज इज गिवन एज 20%। 20% एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 20 ग्राम, और सॉल्यूट यहाँ पे हमारा कौन है, किया है, सॉल्यूट इज क्या, वेट ऑफ द सॉल्यूट इज 20 ग्राम, वेट ऑफ द सॉल्वेंट इज 80 ग्राम। अब सॉल्यूट का पहले मोलर मास निकाल लेते, KI, दैट इज द मोलर मास ऑफ KI इज इक्वल टू, साथ में कैलकुलेट कर लेंगे, 39 + 127 विच इज 166 ग्राम पर मोल। और वाटर का मोलर मास सब जानते ही है, मोलर मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI जो हमारा सॉल्यूट है उसके भी निकाल लेते हैं साथ में, 20 upon 166 विच कम्स आउट अप्रोक्सीमेटली टू बी 0.120 मोल्स आ गया। अब जो जो हमें पार्ट्स निकालने, वन बाय वन वी विल कैलकुलेट द थिंग्स। पहला मोलैलिटी, मोलैलिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और अगर ग्राम में तो मल्टीप्लाई बाय 1000। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास आ चुके हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 80, मगर ये क्योंकि ग्राम में है देन वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 1000, और इसका आंसर हमारा आ गया 1.5 स्मॉल m यानी कि मोलैरिटी। नाउ द सेकंड थिंग इज मोलैरिटी, बड़ा m, कैपिटल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसमें लिया जाता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स तो बच्चों हमारे पास है मगर वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम को निकालने के लिए पहले हम थोड़ा सा काम करते हैं। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूशन है, परसेंटेज है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन इज 100 ग्राम। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी हमारे को गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी गिवन है, 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर। तो इससे हमारे को क्या मिल गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, इससे हमें बच्चों मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी एंड विद द हेल्प ऑफ वेट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ
सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा हमारा जब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, 100/1.202, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 83.2 ml आ जाएगी, 83.2 मिलीलीटर। तो अब भाई मोलैरिटी निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास है, वॉल्यूम हमारे पास है, मिलीलीटर में वॉल्यूम है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, और ऐसा करने से हमारी मोलैरिटी आ गई 1.44 कैपिटल एम। नाउ द लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट हमारा क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई अगर हमें निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की आई अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की आई प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ की आई हम निकाल ही चुके थे शुरू में, 0.120, नीचे भी रखते हैं 0.120। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर देखते हमने ऊपर निकाले या नहीं, चलिए निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉटर कितने आ जाएंगे, गिवन मास ऑफ वॉटर दैट इज 80, मोलर मास ऑफ वॉटर यानी कि 18, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या आ गई आपकी 4.44। तो अब मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, 4.44 विच कम्स आउट टू बी 1.20 अपॉन 4.560, और टोटल सॉल्व कर ले तो आ गया 0.026 द मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई। अगर यहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वॉटर भी निकालना होता तो 1 - मोल फ्रैक्शन ऑफ की आई भी हम कर सकते। यहाँ तक का आज हमारा पूरा हुआ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ सॉल्यूशन। रिवाइज करिए, स्टे सेफ एंड रिवाइज द सॉल्यूशन चैप्टर थॉरली।